हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बनने वाले हैं डिटेक्टिव मेहुल। और मत पूछना ये आइडिया कहाँ से आया। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं रिडल्स। या अब कंटेंट की कमी हो रही थी, मैंने सोचा ऐसी चलो रिडल्स सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चलो बिना किसी रोको कि इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक मिनट, अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करो यार जल्दी, अभी के अभी कर दो यार सब्सक्राइब प्लीज। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अ बिग शाउट आउट टू माइंड योर लॉजिक, ये चैनल का नाम जो भी है डिटेक्टिव मेहुल। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एपिक शाउट आउट टू डिटेक्टिव मेहुल, जिसकी वजह से ये वीडियो मैं बना पा रहा हूँ अभी। ओके, अगर उसका वीडियो नहीं होता तो मैं ये वीडियो नहीं बना पाता। तो स्टार्ट करें हम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ही चल रही थी, दिन भर काफी बारिश हुई थी, तो मौसम में ठंडक भी थी, तो पार्टी में और मजा आ रहा था। तभी रोहित को एक कॉल आता है। ओके, तो इसको कॉल आया जाता है और ये गया जो वापस आता है तो देखता है कि पार्टी रूम में कोई नहीं है और पूजा की डेथ हो गई है। रोहित जोरों से चिल्लाता है, पूजा पूजा। उसकी आवाज सुन के सबसे पहले कभी जाते हैं। मेहुल पास में ही था, केस सॉल्व करने के लिए वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। सीन को देख के मेहुल कुछ चीजें ऑब्जर्व करता है। लॉजिकल आर्मी, आप भी पॉज कीजिए और सोचिए आपको क्या क्या समझ। तो देखो पूरे सीन को देख के, अगर हम इस क्राइम सीन को एकदम गौर से देखें तो यहाँ पे हो रही है दो चीजें, मैं यहाँ पे नोटिस कर सकता हूँ। ठीक है, याद रखिए जूस का कलर ऑरेंज है और कबीर ने भी ऑरेंज ड्रेस पहनी है, तो इस सब के पीछे शायद कबीर का हाथ हो। मजाक कर रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, देखो अगर तुम फुटप्रिंट्स को गौर से देखो ना, तो ये अंदर आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। मतलब हो सकता है कि जूस का ग्लास से मर्डर हुआ है, फिर जूस फ्लोर पे गिरा, फिर कोई तो उस दौरान अंदर आया और फिर वो बाहर चले गया। अब अगर उसका पहले इसको मार दिया जाता तो जूस के निशान पे, मतलब जूस का जो जूस जो गिरी है उस पर सिर्फ जाने के निशान होते, आने के निशान नहीं होते। तो मतलब किसी ने मारा इसको, फिर कोई अंदर आया होगा। इतना तो है कि इसका पहले मर्डर हुआ है, फिर कोई अंदर आया है। ठीक है, अब वो कौन आया क्या है हम आगे देखते हैं। आई थिंक वो कमरे के अंदर जो होगा उसी ने मारा होगा इसको। ठीक है, फुटस्टेप्स के निशान अंदर आए हैं और फिर बाहर गए हैं, और ये सारे लोग फुटवेयर नहीं पहने हुए हैं। मैं भी वही बोल रहा था, से कोई अंदर आया था। जूस का ग्लास भी टूटा हुआ है और उसमें खून लगा हुआ है, मतलब मर्डर इसी से हुआ है। राइट वाला डोर खुला है और नॉपस अंदर से है, मतलब डोर अंदर से खोला गया है। मेहुल सबसे पूछताछ करता है। राज कहता है, मैं किचन में था नेहा के साथ, नेहा के लिए जूस बना रहा था। सिमरन कहती है, बाहर ठंडी हवा चल रही थी तो मैं अपना जूस ग्लास लेकर बाहर चले गई थी। नेहा कहती है, हाँ मैं राज के साथ थी, मेरा ग्लास रिफिल करने गई थी। रोहित कहता है, मैं कॉल पर बात करने के लिए बाजू वाले रूम में गया था, मैंने ही सबसे पहले पूजा की लाश देखी और सबको बुलाया। कबीर कहता है, मैं टेबल पर अपना ग्लास रख के वॉशरूम गया था, रोहित की आवाज़ सुनकर मैं यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि पूजा की लाश पड़ी थी और लाश के पास रोहित खड़ा था और दरवाजा खुला था। क्या आप क्राइम सीन को देखकर बता सकते हैं जो डोर ओपन करके अंदर आया था? नहीं, मैं इसका जवाब पहले ही दे चुका हूँ कि इसका जो मर्डर ग्लास से हुआ है और फिर ग्लास टूटा और फिर उसका मर्डर हुआ और फिर जूस गिर गया एंड फिर कोई अंदर आया और फिर वो बाहर चले गया। तो मतलब नहीं, मर्डर वाला तो मतलब जो अंदर आया था वो तो मर्डर कर ही नहीं सकता इसका, तो इसका मर्डर किसी और ने किया है, घर वालों के घर में जो अंदर थे उन्होंने मारा। नहीं, उसने खून नहीं किया था क्योंकि खून जूस ग्लास से हुआ है और आसपास में टूटा हुआ ग्लास भी पड़ा हुआ है और जूस भी पड़ा हुआ है। अब फुटप्रिंट्स के निशान जूस के ऊपर आने और जाने के दोनों हैं, मतलब ग्लास पहले ही टूट चुका था, जूस भी गिर चुका था और खून भी हो चुका था। जो बाहर से आया वो उसके बाद आया। मेहुल उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हुआ टेरेस पे पहुंच जाता है, वहां उसे तीन लोग दिखते हैं। लॉजिकल आर्मी, अब आप बताइए
कौन सा आदमी था जो राज के घर में गया था? ये नंगे पाव है, देखो सबको देखिए और मुझे आपका आंसर ये जो है ये नंगे पाव है और इसने हील्स पहनी हुई है। शूज इन दोनों में से सिर्फ इसने पहना है, तो मतलब ये ही है जो अंदर आया था, लेकिन इसने मर्डर नहीं करा। इसको तो मैं बोल नहीं सकता मर्डर किया है इसने, क्योंकि ये बंदा खुद बोल चुका है कि इसने मर्डर नहीं किया। डोर के पास जो फुटप्रिंट था वो किसी जूते के थे। इन तीनों में लड़की ने हील्स पहने हुए हैं, ये लड़का नंगे पाँव है, बस इसने शूज पहने हुए हैं, मतलब ये वही था। मेहुल के पूछने पर वो आदमी बताता है कि उसको किसी ने पैसे दिए थे पूजा का मर्डर करने के लिए, और वो कहता है मुझे कहा गया था कि डोर ओपन रहेगा, खून करना और भाग जाना, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि ऑलरेडी खून हो चुका था। मुझे ये नहीं पता ये मुझे किसने, इसका मतलब तो कुछ समझे दया, कुछ तो गड़बड़े है, कुछ तो गड़बड़े हमें पता लगाना पड़ेगा। फोन किया था, मेहुल सबके फिंगरप्रिंट्स लेता है और रोहित के फिंगरप्रिंट डोर के नॉब से मैच कर जाते हैं। तो रोहित तुम हो ये सबके पीछे, नहीं नहीं मैंने पूजा को नहीं मारा है, हाँ मैंने ही डोर ओपन करके रखा था किलर के लिए, पर जब मैं हॉल में आया तो पूजा का खून हो चुका था, मुझे लगा किलर ने मारा है, लेकिन अगर किलर ने नहीं मारा है तो मुझे नहीं पता पूजा को किसने मारा। मुझे और डिटेल में बताओ क्या हुआ था। तो कबीर कहता है सर मैं और पूजा साथ में डांस कर रहे थे और फिर मैं टेबल पे ग्रास रख के वॉशरूम चला गया, हाँ थोड़ी देर के लिए लाइट जरूर गई थी, मैं रोहित की आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर आ गया था। इंटरेस्टिंग। मेहुल लेफ्ट वाले दरवाजे से बाहर जाता है तो वो इलेक्ट्रिक बॉक्स की तरफ जाता है। मेहुल इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास जाता है तो उसे वहाँ कुछ फुटस्टेप्स दिखते हैं। इन फुटस्टेप्स को देख के आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। एक मिनट, तो हो सकता है कि कबीर हो इस सब के पीछे, क्योंकि कबीर आया इधर से और इधर से उसने लाइट बंद करी, अंदर गया और जब सब अंधेरे में थे जब इसने पूजा को टपका दिया, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन और भी मेरे सामने दो तीन पहेली घूम रही है कि जब लाइन गई थी तो वो लड़की क्या कर रही थी, तो उस वो भी मार सकते हो। मेरे को दोनों पे शक है, कबीर और लड़की पे। आने और जाने के फुटस्टेप्स दो बार है, मतलब खूनी आया, हाँ। लाइट्स ऑफ किया और चला गया, फिर मर्डर किया, वापस आया, लाइट्स चालू किया और फिर वापस चला गया, मतलब लाइट के साथ भी छेड़छाड़ की और वो खूनी निकली। फिर सिमरन कहती है मैंने नहीं मारा है पूजा को और मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो गार्डन में चले गई थी, जब मैं गार्डन में गई तो पार्टी रूम में कबीर, पूजा और रोहित थे। मेहुल फिर गार्डन में जाता है और बारिश के वजह से उसे वहाँ कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं। क्या आप इन फुटप्रिंट्स को देख के बता सकते हैं सिमरन सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? एक्चुअली वो सच बोल रही है, यहाँ से आई है और यहाँ पे ऐसा मुड़ गई है, मतलब हो सकता है वो यहाँ तक आई हो और फिर उसको आवाज आई तो वो मुड़ गई। सिमरन के फुटस्टेप्स गार्डन में बस एक बार आए हैं और एक बार गए हैं, इसका मतलब सिमरन गार्डन में गई और रोहित की आवाज़ सुनकर वापस आ गई। फिर नेहा कहती है मैं तो किचन में गई थी जूस लेने, राज भी वहीं था पहले से, हाँ लेकिन राज थोड़ी देर के लिए किचन वाले वॉशरूम में गया था, वो लाइट जाने से पहले किचन वॉशरूम में गया था और लाइट आने के बाद वापस आया। इंटरेस्टिंग। सर मैं वॉशरूम में ही था, मुझे रोहित की आवाज़ आई और फिर मैं और नेहा बाहर आ गए। मेहुल किचन वॉशरूम चेक करता है तो उसमें एक बैक डोर होता है जो सीधा बैक साइड वाले गार्डन में निकलता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक बॉक्स है, और इलेक्ट्रिक बॉक्स के दूसरी तरफ का रास्ता सीधे रूम की तरफ जाता है जो रूम का लेफ्ट दरवाजा है, मतलब वहाँ से राज आ सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक बॉक्स के फुटप्रिंट्स को देख के मेहुल समझ जाता है कि राज वहाँ से नहीं आया है। क्यों मेहुल को फुटप्रिंट्स देख के ऐसा क्यों लगा, सोचे वो यहाँ से आया और फुटप्रिंट्स देख लो ना तुम अगर, क्योंकि वो यहाँ पे आ रहे हैं, इसको उसने बंद किया रहेगा, मतलब जो स्विच बोर्ड है उसको बंद किया है, फिर वहाँ से निकल गए क्योंकि फुटप्रिंट्स यहाँ से आके मुड़ गए, पूरा वो बैकडोर पे गए नहीं, तो इसके लिए वो समझ गया कि उसका आके बंद करके मुड़ गया वो, तो ये हुआ रहेगा शायद यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, फुटप्रिंट जिस डायरेक्शन से आए हैं उसी डायरेक्शन पे वापस जा रहे हैं, मतलब कोई अंदर से आया था और वापस उसी रास्ते से अंदर चला गया। अगर राज होता तो फुटप्रिंट्स एक तरफ से आते और दूसरी तरफ पार्टी रूम की तरफ जाते। अभी तक के क्लूज से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मर्डरर कौन है। उतने में
जिस ग्लास से मर्डर हुआ था उसके फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट भी आ जाते हैं। शॉकिंग, उस पे कबीर के प्रिंट्स के निशान मिलते हैं। लेकिन कबीर कहता है कि वो ग्लास टेबल पे रख के वॉशरूम चला गया था। बाकी दो रखे ग्लासेस के भी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आते हैं, पहला नेहा का होता है और दूसरा पूजा का। रोहित का ग्लास बाजू वाले रूम में मिलता है जहाँ वो कॉल पे बात करने गया था। मेहुल इन क्लूज को देख के पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ जाता है। ए, मैं समझ गया। कलर में हाँ, 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 पूरी हाँ, मर्डर मिस्ट्री समझ पाए। अरे, पूजा का खून किसने किया, कैसे किया होगा, क्या क्या हुआ होगा एग्जैक्टली, सोचिए। फंस गई, ये फंस चुकी है, ये फंस चुकी है, ये फंस चुकी है, नीली वाली है, नीली वाली है। क्योंकि अगर तुम लोग गौर से सुनो, देखो मैं तुम लोग को बता दूं, देखो पे कबीर के प्रिंट्स के निशान मिलते हैं। लेकिन कबीर कहता है कि वो ग्लास टेबल पे रख के वॉशरूम चला गया था। बाकी दो रखे ग्लासेस के भी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आते हैं, पहला नेहा का होता है और दूसरा पूजा का। रोहित का ग्लास बाजू वाले रूम में मिलता है जहां वो कॉल पे बात करने गया था। मेहुल इन क्लूज को देख के पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ जाता है। अपने स्टेटमेंट में कहा था कि मैं अपना जूस को फिल कराने गई थी, तो इसका ग्लास टेबल पे कैसे आया, तुम लोग समझ रहे हो? इसने जिस उससे खून करा है, जिस जूस ग्लास से खून करा है, वो होता है कबीर का। मतलब इसने कबीर का ग्लास ली और उससे उसका खून कर दी, और ताकि सबको लगे कि कबीर ने इसको मारा है। लेकिन ये वो भूल गए कि उसने स्टेटमेंट में कहा था कि वो जूस रिफिल करने गई, इसका जब इसके पास ग्लास ही नहीं है तो जूस कैसे रिफिल करा रही थी। इसका आंसर नेहा ही है, नेहा ने इसे मारा है। लेकिन क्या लॉजिकल पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ पाए? कैसे किया होगा, क्या क्या हुआ होगा एग्जैक्टली, सोचिए, अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बेस्ट और राइट आंसर को मैं पिन करूंगा और आंसर वीडियो में शाउट आउट दूंगा। आंसर वीडियो आज शाम को पब्लिश होगा, लेकिन उसके पहले आपका आंसर जरूर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल के सामने खाने की तीन चीजें रखी हुई है, इन्हें ध्यान से देखिए और मुझे बताइए खाने की कौन सी चीज में जहर हो सकता है, ए बी या सी। सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। दिख सकते हैं ए बराबर ए पे जो है उस पे जूस लगा हुआ है इसका। सी तो एकदम ताजे लग रहे हैं मेरे को, तो बी इसका आंसर है, बी एकदम हो सकता है इसका पॉइजन। सैंडविच पे जो कलर दिख रहा है वो ऑरेंज जूस है। फ्रेंच फ्राइज थोड़े ड्राई से लग रहे हैं, लेकिन पेस्ट्री को देखिए उसमें मकड़ियां हैं। अगर मेहुल ने मकड़ी वाली पेस्ट्री खा ली तो हो सकता है वो पॉइजनस हो सकती है। ऐसी और पहेलियों के लिए आप डिटेक्टिव मेहुल गेम भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज आई होप इट्स कंफर्टेबल। और अब हम लोग मिल्क पोर करने वाले हैं, ठीक है, वन बाय वन। अब आप एक एक करके दोनों मिल्क को आप टेस्ट कीजिए और बताइए दैट विच वन। एपिसोड 20 की मिस्ट्री कुछ ऐसी है। धीरे धीरे सब रूम से निकल गए थे, सिर्फ पूजा रूम में थी, फिर किलर रूम में आया और वहां से बाहर निकलकर इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास गया और लाइट्स ऑफ कर दिया, फिर वापस अंदर आया और कबीर का ग्लास उठाया और जोरों से पूजा के सर पे मारा, जिससे पूजा की डेथ हो गई। फिर वापस इलेक्ट्रिक बॉक्स की तरफ जाके लाइट्स चालू कर दिया और फिर चुपचाप से वापस अंदर आ गया। अब राज किचन वॉशरूम में था, वो बैग से आया नहीं। रोहित फोन पे था, सिमरन गार्डन में थी, फुटस्टेप्स बता रहे हैं, लेकिन नेहा अकेले किचन में क्या कर रही थी? ये सब उसी ने किया है। टेबल पर नेहा का ग्लास जूस से फूल रखा हुआ है, फिर वो जूस लेने किचन में क्यों गई थी? वो पहले ही किचन में चले गई थी, इससे सबको लगे कि वो मर्डर लोकेशन पे नहीं थी, लेकिन उससे गलती हो गई, उसका ग्लास फूल रह गया और वही मेहुल ने उसे पकड़ लिया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। और जिन लोगों ने इस मिस्ट्री का एकदम सही आंसर दिया है उनके नाम है ओके, तो आज का वीडियो भी समाप्त करते हूं। अधिकंदा परिणाम पसंद आया है और मेरी आईक्यू कैसी लगी तुम लोग कमेंट में बता देना। और आज के लिए इतना ही, मैं तुम लोग से अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।